आज हम बात करने जा रहे हैं क्या सुब्रत रॉय को बचाया जा रहा है। जी हाँ, लगातार वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने हजारों करोड़ों लोगों का जो सपना था उसको मिट्टी में मिला दिया, और क्या सरकार उनको बचा रही है। आज हम आपको एक फोटो दिखाएंगे। ये फोटो है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हॉस्टल में एडमिट थे, उस समय सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय उनको देखने के लिए गए थे। जी हाँ, आप तस्वीर में साफ तौर पर देखिए किस तरीके से वो उनको देखने गए हैं, क्या खुलेआम वो घूम रहे हैं। उन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, लगातार वो लोगों के सपनों को उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन वो लगातार खुलेआम घूम रहे हैं। क्या सरकार उनको बचा रही है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव अस्पताल में जब भर्ती थे, उस समय सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय उनसे मिलने के लिए खुलेआम उनके हॉस्पिटल पहुंच गए। जी हां, आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां प्रदेश के बड़े बड़े राजनेताओं के साथ सुब्रत रॉय सहारा चाय पीते हुए नजर आए थे, वही उस वक्त की तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। बताते चले, देश में जल्द ही लोकसभा एवं कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश के सहारा निवेशक के ऊपर टिकी हुई है कि आने वाले चुनाव में वह सहारा और मोदी सरकार का बहिष्कार करेगा, क्योंकि अगर सहारा इंडिया का संपूर्ण भुगतान नहीं हो पाएगा तो क्या आगामी चुनाव में डोलती मोदी सरकार को मतदान मिलेगा। अब आप ही बताइए, किस तरीके से जो आम जनता है उसको लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन इसकी कोई अभी डेट नहीं है कि जितने भी गरीब जनता है, जितने भी गरीब लोग हैं जिन्होंने कितनी मेहनत की गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में लगाई थी, क्या उनका पैसा वापस आएगा। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के पैसे मिलने का नाम नहीं ले रहे, और ऐसे में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को प्रोटेक्ट कर रही है सरकार। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार सहारा इंडिया के सहकारी समितियों में निवेशकों का करीब 86,000 करोड़ रुपए जमा है। फिर कैसे सरकार केवल 5,000 करोड़ के लॉलीपॉप से 10 करोड़ सहारा निवेशकों का भुगतान करने जा रही। आप देखिए, 86,000 करोड़ रुपए जमा है और सरकार ने लॉलीपॉप दिया है 5,000 करोड़ का। जी हाँ, आप इससे लेस करेंगे तो कितना आएगा। क्या सरकार लगातार जनता से झूठ बोल रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। सुब्रत रॉय सहारा ने देश में केवल फाइनेंशियल फ्रॉड ही नहीं किया, बल्कि हाथ ठेले वाले मजदूर एवं गरीब लोगों के पीठ पर भी लात मारी। कहते हैं, अगर हम किसी की हाय सुनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बुरी होती है, कभी किसी की बददुआ नहीं सुननी चाहिए। वही इस गलती को न स्वीकारना इससे बड़ी गलती है जो कि सुब्रत रॉय सहारा की जिंदगी में अब जुड़ चुकी है, और ऐसे में आम जनता के मसीहा बनने वाले और देश की लोकसभा में विराजमान इस देश के संसद एवं पॉलिटिकल पंडित अपने आप को सुब्रत रॉय से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते नजर आ रहे। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सहारा आखिर गरीबों का सहारा बनती है या बेसहारा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।